नमस्कार दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं बातों और पुराने लफ्जों के साथ कुछ नया करते हैं। आज से आप देखेंगे कक्षा 8 की गणित, यानी कि ग्रेड 8 लेवल का मैथ अब हम लोग पढ़ेंगे। NCERT पैटर्न पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आज से आपको मैथ आने लगेगा। आज आप देख रहे हैं कक्षा 8 का पहला भाग। पहले आप सिलेबस देखेंगे। कक्षा 8 में हम लोग 18 चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 8 में हम लोग 18 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से आपके सामने 8 दिए गए हैं। इनको हम हिंदी में बता रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो इंग्लिश में भी बता देंगे। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएँ पढ़ेंगे, यानी कि रेशनल नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे रूट एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। फिर हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, अर्थात घन एंड घनमूल। उसके बाद आइडेंटिटी पढ़ेंगे सर्वसमिका। फिर अल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उनका फैक्टोरिएशन पढ़ेंगे, फैक्टोरियल पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बीजगणितीय पद होते हैं यक्स वाई वाला, उनका गुणनफल कैसे करते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। संख्याओं का खेल में पढ़ेंगे, संख्या पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जैसे आप देखते हैं कुछ संख्याओं का योग दिया है, उनका गुणन दिया है, तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा। अगर कुछ संख्याओं में से कुछ संख्याएं दी गई हैं तो बाकी की गुप्त संख्याएं कहां गई, क्या होंगी, ये सब होगा। रेखीय समीकरण पढ़ेंगे, यानी कि सरल समीकरण, जिसे आप लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि जैसे x प्लस वाई और x प्लस वाई बटा 3 बराबर हो जाए x प्लस 1/7, इस तरह का समीकरण। ठीक, इतना ही नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। इसमें दो अज्ञात राशियों वाले रेखीय समीकरण पढ़ेंगे, जिसे युगपत समीकरण बोलते हैं। इसको यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, जब पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा। ये हो गए 8 चैप्टर। इसके आगे अभी हम आपको 10 चैप्टर और भी दिखाएंगे, टोटल 18 चैप्टर होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 9 पाठ में समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, चतुर्भुज की संरचनाएँ। उसके बाद वाणिज्य गणित, बैंकिंग, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, संख्या की, संभावनाओं की संख्या की, यानी कि प्रायिकता, और क्या क्या पढ़ेंगे, सर्कल भी पढ़ेंगे, ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। दो चैप्टर पढ़ेंगे ग्राफ और क्षेत्रमिति। तो दोस्तों, ये सभी क्लासें आपकी लगभग हिंदी मीडियम में होंगी। बीच बीच के जो वर्ड होंगे उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोला जाएगा। आप लोग अपने सुझावों को दीजिएगा, हमारी कोशिश होगी कुछ अच्छा हो। और इन्हीं के साथ PBR स्टडी परिवार की 1,00,000 संख्या पूरा होने पर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हेल्प किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने जलन किया, दुर्व्यवहार किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं, अब हम चैप्टर शुरू करेंगे, पहला रेशनल नंबर। ठीक ना, पूरा क्लास देखना, जाना मत कहीं, सब कुछ समझ में आने की पूरी जिम्मेदारी होगी, बस आप हमारे साथ विश्वास बना के बने रहना। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, पहले थोड़ा सा हल्का सा समझेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको रिपीट करवाएंगे। जैसा आप अभी तक पढ़ते आए हैं वही हम बताएंगे, बाकी कुछ नया नहीं बताएंगे, थोड़ा सा तरीका अलग होगा। वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये तो आपको याद होगा, हर कोई बताता है, आप समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशन होती है, उनको भी आपको याद रखना जरूरी है। P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, अलग बात है, लेकिन कंडीशन ये है कि क्यू जो है उसमें 0 के बराबर नहीं हो सकता है। पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्याएँ होनी चाहिए, और पी 0 के बराबर हो सकता है। इतना ही नहीं, जो P और Q हैं वो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती हैं, मतलब चाहे तो धन संख्याएं हो या ऋण संख्याएं हो, ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। कहने का मतलब, जैसे अगर √25 है तो ये चलेगा, चलेगा मतलब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 5 हो जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्याएँ होगी। अगर √144 करोगे तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल 12 आएगा। √ अगर 9 करोगे तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा, 3 एक परिमेय संख्या होगी। मतलब समझना, ये नहीं कि जो 0 जिसमें वर्गमूल लगा है वो परिमेय संख्या नहीं होगी, या घनमूल लगा है तो नहीं होगी, बशर्ते उसका पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर हम बोलें कि √7 ये डज नॉट इक्वल रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या ना होगी,
क्योंकि इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलेगा। एक बात आपको याद दिला दूं, आप देख रहे हैं पीबीआर स्टडी इलाहाबाद का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, कृपया अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। दूसरी बात, अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो तुरंत कर दें। और तीसरी बात ये कि जो भी क्लास देखें आप पीबीआर स्टडी के साथ, उसे पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। पूरा नहीं देखोगे तो पल्लेना पड़ेगा। याद रखना, जाना मत छोड़ के क्लास को, लास्ट तक देखना। बहुत ज़्यादा 20-30 मिनट की क्लास होगी, बहुत बड़ी क्लास अब हम नहीं करते हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देते हैं। तो मित्रों ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरह से अगर हम बात करें अंडर रूट 16 की, तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 4 आएगा। जिन लोगों को वर्गमूल नहीं आता कमेंट करेंगे, नहीं तो उन्हें कुछ ना पल्ले पड़ेगा ये वर्गमूल का है, ठीक ना। अगर अंडर रूट हम 35 की बात करें तो ये इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसी तरह से आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल इधर दिखाया गया है, जहां आई आर मीन्स इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, और आर एन मीन्स रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, इक्वल p/q लिख सकते हैं, है ना। ये तो सिंपल में उसी तरह का है, परिमेय संख्या होगा ही। इसमें कुछ लोगों का सवाल होगा, तो साथियों इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 25 को 5 लिख सकते हो, है ना। अब 5 के नीचे एक लिख करके इसको आप p/q लिख सकते हो, रूप हो गया ना उसका। हाँ, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है, ज़रा ध्यान देना। इसका वर्गमूल तो पूरी तरह निकलेगा नहीं कि हम निकाल लें, कुछ भी निकलेगा तो दशमलव में आएगा, या फिर 2√7 या 3√5, मतलब लगभग, मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये आएगा, मतलब कुछ भी ऐसे कुछ ऊट पटांग आएगा, है ना। तो कुछ भी आएगा लेकिन इस तरह का नहीं आएगा, पूरी पूरी संख्या, पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इसे आप क्या p/q लिख सकते हो, बताओ जल्दी से, p/q है ये, बराबर है। आप कहोगे बराबर तो लगा दिया, तो बराबर हो गया ना, लेकिन बराबर लगाने से नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप कह दो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो कहने से नहीं हो गया, उसके लिए कुछ क्वालिटी होती है, कुछ कंडीशन होती है। तो ये क्या किया, ये टोपी लगाया एक प्रकार से, टोपी मतलब जानते हो, इसके ऊपर वर्गमूल लगा। जैसे किसी को एक मुखौटा लगा दो, देखा है बचपन में होली खेलते थे तो पहनते थे, है ना। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चे वगैरह लेते हैं दिवाली में, होली में, शेर वाला, भालू वाला, बंदर वाला मुँह में लगाते हैं ना। इतना ही नहीं, अभी रैलियों में देखिए लोग मोदी का मुखौटा लगाते हैं, है ना। तो वो क्या है, मतलब समझना, उनका रियल चेहरा नहीं दिखता है, मतलब जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी का मुखौटा लगा लिया तो वो प्रधानमंत्री जैसे दिखने लगे, मतलब वो रियल में कौन है वो नहीं दिख रहे हैं। तो उसी तरह से क्या है, ये रियल में नंबर नहीं दिख रहा है, यानी ये इसके बराबर नहीं हो सकता जब तक इसका ये मुखौटा नहीं हटने वाला। बात समझ में आई ना, क्यों। हाँ, अगर इस पर भी लगा होता, अंडर रूट p/q के बराबर करना होता तो इसे मान लिया जाता, क्योंकि इस पर भी लगा, इस पर भी लगा है। जैसे अंधर वैसे कोड़ी ना उनके, सुना है कैसे होता है, आप आगे लिखिएगा। बात समझ में आई ना, इतना अगर कुछ बुरा लगा तो माफ़ करिएगा, आगे देखते जाइएगा, लेकिन क्लास छोड़ के ना जाइएगा। अभी इसमें और बहुत कुछ है, इतना से ही ख़त्म नहीं होता है, पूरा देखना। देखिए मित्रों, थोड़ा समय में कुछ ज़्यादा बातें देख लीजिए, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा और गहराई से समझ लीजिए। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, अगर किसी भिन्न को आप जोड़ते हैं फ्रैक्शन को, जो कि सीधा सीधा पूर्ण संख्या के रूप में है, तो उसका जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या के रूप में ही आएगा, कुछ भी आएगा। दूसरी बात, अगर आप समान असमान हर या समान समान हर वाली भिन्न को जोड़ते हैं, उसी तरह का ये भी है, तब भी वो परिमेय संख्या ही आएगा, क्योंकि फाइनल में इसका आंसर जो आएगा आप सभी को मालूम होगा, वो 0/19 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे आप 0/1 लिख सकते हो, बाद में हल करोगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप 7/0 लिखोगे, ये भी फाइनल में 0 होगा, यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। किन्हीं भी दो रूट लगी हुई संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, 3 आएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसमें देखिए, अगर आपको हमने याद करवाया था वर्ग और वर्गमूल 20-30 तक कहा था याद कर लेना, अगर याद किए होंगे जो उनको मालूम होगा कि 361 किसका वर्गमूल है। अगर वैसे काटोगे तो जल्दी काट नहीं पाओगे, फिर आप कहोगे ये तो गलत है, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये 19 का वर्गमूल है, 19 का है कि नहीं कमेंट करके बताना। तो ये 19/17 आ जाएगा ना, जब इसे आप 19/17 लिख दोगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी ना, बात समझने की कोशिश करना। 64 का वर्गमूल करोगे 8 आएगा, 144 का करोगे 12 आएगा,
तो ये 8/12 हो जाएगा ना, ये भी एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, होगी ना, समझने की कोशिश करना, टेंशन मत लेना। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, अभी इसके बारे में और भी गहराई से बताएंगे, इसका कोई अंत नहीं, बहुत है, ये एक डीपली महासागर है परिमेय, परिमेय समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत रूप में ये पूछा जाता है, बहुरूपिया होता है, कई तरह का आता है। इधर देखिए, ये इसका योगफल परिमेय होगा कि अपरिमेय, कॉम्पिटिशन में भी कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, जिसको आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ता, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, आपको हल ही नहीं करना, उसको बता देना है। ज़रा सोचिए, इसमें एक अंडर रूट लगा हुआ 7 है ना, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसे आप कुछ भी करोगे, हल करोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे, तो ये अंडर रूट लगा रहेगा, कभी भी हटने वाला नहीं, क्योंकि इसको एक ऐसी बीमारी है कैंसर जैसी, जो कि ख़त्म नहीं होने वाली। तो अगर इसका ये √7 नहीं हटेगा, रूट नहीं हटेगा, तो कभी ये परिमेय संख्या से, सॉरी, अपरिमेय से परिमेय नहीं हो सकता है। अगर हल करके देख लो, क्रॉस मल्टीपल करोगे, ये 7√7 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7³। आप बताओ कोई उपाय लगेगा, नहीं लगेगा। कुछ लोगों के मन में होगा कि 7 से 21 काट दें, लेकिन अगर ये टोटल पूरे में कॉमन होता तो आप काट सकते थे, ये कटेगा भी नहीं। अब क्या आया, ये परिमेय संख्या है, नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप इसको अगर जोड़ोगे, देखो हर हर तो बराबर है ना, आप कहोगे जोड़ लें, तो चलो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10/0 होगा, जब 0 से भाग करोगे तो अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा, बात समझ में आई। और ये परिमेय संख्या के नियम का नहीं पालन कर रहा है, उसमें देखो मोटे मोटे अक्षर में लिखा था कि कभी भी क्यू 0 नहीं हो सकता है, अगर इसको पी मानोगे, इसको क्यू, तो ये क्यू तो 0 हो रहा है, ये तो उसके रूल की धज्जियाँ उड़ा दे रहा है, तो नहीं सही ना, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर इसको देखें, हमारे पास ये दोनों अकेले होते बेचारे, तो ये परिमेय संख्या है आपस में इतना, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन मुसीबत है, इसके साथ एक मुसीबत जुड़ी है बगल में, देखो वो क्या है, √3, तो ये √3 क्या होगा, ये तो ना भाई हल होगा, ना ये ख़त्म होगा, तो ये मुसीबत बनी रहेगी, और फाइनल में आपका जो आएगा 1+√3 आएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब समझते जाना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होता है। एक वीडियो में हमने बहुत पहले बताया था, जब चैनल शुरू हुआ था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा सा कम मालूम था, हमने इसको परिमेय संख्या बताया था, कुछ लोगों ने देखा होगा तो काफ़ी गुस्सा भी आया होगा उन्हें, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, कोई भी जो चिन्ह, मतलब कोई भी जो सिंबल यूज किए जाते हैं मैथ में या साइंस में, वो कभी रेफरल नंबर नहीं होते, वो इरेफरल नंबर होते हैं। जैसे पाई हुआ, जी हुआ, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक वगैरह जो भी हैं, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन अगर इनका मान दिया है, जैसे 22/7 दिया है, या फिर 3 जो भी होता है 14 समथिंग में, या 9.98 जो भी दिया है, कुछ भी अगर दिया है, तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जो सिंबल हैं, ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। मित्रों, आपको याद दिला दें, आप देख रहे हैं PBR स्टडी का इलाहाबाद फेसबुक पेज। अगर चैनल पर हैं तो PBR स्टडी को फेसबुक पर सर्च करें, PBR स्टडी, और लाइक अवश्य करें और फॉलो कर लें। आप पेड वाली क्लास को फेसबुक पेज से फ्री पा सकते हो, प्लस लाइव क्लास, वीडियो क्लास और अन्य स्टडी मटेरियल आप फेसबुक से पा सकते हैं, जहाँ पर लोग मौज मस्ती करते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बस नज़रिया आपका अलग होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए जिनको करना है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टेप आपको और आगे ले चलते हैं। ऊपर नंबर दिख रहा है, जिनको ज्वाइन करना है, कंप्लीट मैथ पढ़ना है, वास्तव में सीखना है, वो नंबर नोट कर लें और संपर्क करें। जिनको नहीं सीखना है या फिर वैसे मज़ा लेना है, वो यूट्यूब पर लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री, कुछ भी नहीं देना, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन करना, तभी क्लास देख पाओगे, वरना नहीं मिलेगी आपको। कुछ नए सवाल देखिए, ध्यान से देखना। समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल, यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हैं, तो इनको आप लोग कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। छोटे स्टेप से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपको सिखाने की संपूर्ण गारंटी है, बस देखते रहना, जाना मत क्लास छोड़ के। इसका एक फार्मूला हमने बना दिया है, असमान अंशों का योग और नीचे समान हर। हर को इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोलते हैं और अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। तो चलो भाई फार्मूले में रख देते हैं, असमान अंशों का योगफल, अंश ऊपर वाले नंबर होते हैं, तो इनका योगफल मतलब जोड़, तो चलो जोड़ लेते हैं, 3 में 2, नीचे लाइन खींच के करा समान हर, दोनों में समान हर था 7, ये लिख दिया। इस तरह से इसे आप आगे भी लगा सकते हो, 3 में 2 जोड़ोगे 5/7। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर कौन कौन बताएगा, फट से बताओ, देर नहीं करना।
देखो मित्रों, लाइव क्लास हम देते थे आपको, बहुत मज़ा आता था, सभी का नाम बोलते थे, लेकिन उसका घाटा असहनीय रूप से हम सहते थे। अब वो नहीं होगा। इसमें भी वैसे कर लोगे, ऊपर ऊपर का नंबर जोड़ लोगे, 15 धन 9, नीचे 7, इक्वल 15 5 20 4 24 बटा 7। ना समझ में आएगा तुरंत बताना। 15 में 9 ऐड किया, 24, 7 का 7 वैसे लिख लिया। इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक ना, बात समझ में आई। अगला सवाल इसको खुद से करके कमेंट करके बताना कितना आएगा, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखते रहना, जो भी क्लास देखना PBR स्टडी की, पूरा क्लास देखोगे तब सब समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर थोड़ा सा देख के छोड़ दोगे ना तो बिल्कुल न पल्ले पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये सब टॉपिक तो हम आपको पीछे कई क्लास में बता चुके हैं, लेकिन अब हमें क्लास वाइज कोर्स ख़त्म करना है तो हमें इसको पढ़ना है। हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक शामिल करेंगे, हो सकता है आपने नहीं देखा हो या उस क्लास की क्वालिटी कुछ ख़राब रही हो, तो चलिए इसमें बेहतर कर देते हैं। असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग, मतलब नीचे वाली जब संख्याएँ अलग अलग हों तब कैसे करते हैं, इनको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? लाइक अनलाइक, प्रॉपर इम्प्रॉपर पढ़ा था, ये इन अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक, लाइक में दोनों बराबर होता है नीचे का, ठीक। इसमें दो मेथड होता है, एक होता है त्रियक गुणा, दूसरा होता है आपका LCM मेथड। तो हम दोनों आपको दिखाएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो प्रयोग करिए। छोटे भिन्नों के लिए प्रयोग करते हैं त्रियक गुणा, 3 का गुणा इसमें कर लो, 3 में ये लो मैंने लिख दिया, बीच में प्लस था प्लस लगाया, अब 7 का गुणा इसमें कर लो, 7 का गुणा 1 में, और फिर नीचे 7 का गुणा 3 में। ये मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ आपको। इस तरह से आप गुणा करोगे, 3 का 3 में जानते हो, 3 3 जा 9, बड़ी सी लाइन खींचा, ये चिन्ह यहाँ लिखा, 7 का 1 में किया 7, और ये 7 3 जा 21, दोनों जोड़ लोगे तो 9 7 16 होगा, और ये हो जाएगा 21। है ना आसान? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना, नहीं संकोच बताना, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका एक मेथड। अब चलिए हम आपको दूसरा मेथड दिखाते हैं। दूसरा मेथड देखना, LCM मेथड। देखो लगभग वो भी वैसे ही आएगा, थोड़ा सा हो सकता अलग हो, तो पूरा देखना, क्लास छोड़ के ना जाना, अभी और चीज़ें शामिल करेंगे। LCM लेते हैं नीचे वाले दोनों नंबर का। आपको LCM नहीं लेना आता तो कमेंट करना, LCM बताएंगे। LCM का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, देख लेना। दोनों का LCM 21 आएगा। अब जो LCM लेते हैं ना, उस LCM में बारी बारी से हर से भाग करते हैं, भिन्नों के हर से। तो पहली वाली भिन्न के हर से भाग करेंगे, यानी 7 से, तो ये 7 3 21 जाएगा, है ना। क्या आया ऊपर? 3 आया। जो ये 3 आता है ना, जो भागफल आता है उसमें इसके अंश से गुणा करते हैं, ध्यान देना। हर से भाग करेंगे LCM में, 7 से कर दिया, जो प्राप्त हुआ ऊपर भागफल, शेषफल से कोई मतलब नहीं, शेषफल तो नहीं आएगा, कट जाएगा, उस भागफल को पकड़ करके ऊपर वाले नंबर में गुणा करते हैं। तो जब 3 का 3 में इसमें गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस वही फंडा अगले भिन्न के लिए भी होगा। 3 से भाग करोगे इसको जब 21 को, तो 7 आएगा ऊपर, 7 का इसमें गुणा करोगे तो 7 आएगा। इस तरह से आपका ये 16 बटा 21 आएगा। देखिए बड़ी भिन्नों के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, छोटी भिन्नों के लिए कोई मतलब नहीं होता विशेष। वो तो मैंने आपको त्रियक गुणा में बहुत बड़ा करके दिखा दिया था, 3 गुणा 3, बाकी आप छोटे में भी कर सकते थे। अगला देखना, इसको त्रियक गुणा ही करेंगे, 4 5 20 और 9 1 कम 9, और ये 7 9 4 36। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उसको तो बड़ा लंबा खींचा था, ये काहे इतनी जल्दी आ गया, तो उसको हमने गुणा किया नहीं था, आपको बताया था कि ऐसे होता है और किया नहीं था, मतलब उसमें लिख दिया था बस, इसको हमने किया है। अब क्या करोगे, जोड़ लो 29 बटा 36। ये क्वेश्चन आप घर से करना, खुद से, कहते हैं कि होमवर्क नहीं देते ना, तो बीच बीच में होमवर्क है, करके कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर पूरा क्लास करना है तो ज्वाइन करना ना भूलना, ऊपर नंबर दिया है, अगर ज्वाइन करोगे तो सब कुछ मिलेगा। मित्रों ये दृश्य देख कर डरना मत, जरा ध्यान से बातों को समझना, उसके बाद जाना, ठीक ना। ये आप लोगों के लिए काम का नहीं है, उन लोगों के काम का है जो लोग क्लास को डेली देखना चाहते हैं, कंप्लीट बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनके काम का है। और आपको बता दें, इस क्लास के लिए आपको सुविधा शुल्क, सेवा शुल्क या जो भी समझिएगा, उसके लिए सिर्फ एक बार
कंप्लीट बेसिक मैथ के लिए 549 रुपये का पेमेंट करना होगा। जो लोग इसको करना चाहें करें, जो ना करना चाहें वो यूट्यूब पर ऐसे देखते रहें, फेसबुक पर देखते रहें, उसके लिए कुछ नहीं देना है। कंडीशन क्या होगी, 50% क्लास आपको यूट्यूब पर इस तरह से मिलती रहेगी जैसे आप देख रहे हो, 60% क्लास आपको PVR स्टडी के फेसबुक पेज पर मिलेगी, 60 से 70%, ठीक ना। बाकी का जो बचता है 20 से 30%, वो क्लास उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब 100% तभी मिलेगी। अगर आप इसको करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको हमारी टीम के द्वारा विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बेसिक में, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसे आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपका, उसको भी क्लियर किया जाएगा। अलग से आपको कुछ स्पेशल लाइव क्लास दी जाएंगी, आपका ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा, कुछ PDF फाइल, टेक्स्ट फाइल और करंट अफेयर, GK GS एवं अन्य जो भी क्लासें चलती हैं उनमें से अधिकांश क्लास भी आपको मिलेगी, ठीक ना। तो जिन लोगों को इसको करना है करते रहें, नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन रखें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में ऐसे एक घंटी का बटन आएगा, इधर सब्सक्राइब लिख जाएगा, जब इस पर क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन आता है जिसमें ऐसे रहता है, जिस पर लिखा रहता है ऑल नोटिफिकेशन, आपको तीनों में से ऑल चुनना है। अगर इसको किए रहोगे तो बहुत सारी क्लास मिलती रहेंगी। इतना ही नहीं, आप क्लास का टाइम याद रखिए, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है उस टाइम पर, आप आकर के YouTube पर सर्च करिए PVR स्टडी अलाइव ई लाइव। अगर PVR स्टडी लाइव आपने सर्च किया और उस दिन आप सभी के लिए क्लास पब्लिश हो रही है या फिर चल रही है लाइव, तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों PVR स्टडी लाइव ज़रूर सर्च करना, देखते रहना और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करना। विजिट करिएगा PVRstudy.com अपनी अन्य सुविधाओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही, 20 मिनट की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया, उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे। तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और किसी की ज़िंदगी बदल जाए इसलिए उसके व्हाट्सएप नंबर पर इसको भेज दीजिएगा, फेसबुक पर भेज दीजिएगा, कहीं भी इसका लिंक भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगला भी सीख सके। जलन नहीं करनी चाहिए, हर किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलें, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करना, और दोस्तों लाइक करके जाना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।